हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ABROCKZZ टीम। देन यहाँ पर मैच हो रहा है शिकागो फायर वर्सेस हस्टन डायनेमो के बीच, जो कि खेला जा ऐसा होता है क्योंकि यूएस ओपन कप लीग का मैच है, तो इस मैच के अंदर कई बार बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की शिकागो फायर एंड हस्टन डायनेमो के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो लोग कहेंगे कि यहाँ पर CF टीम तेज़ है, लेकिन गाइस CF टीम ने लास्ट के 3-4 मैचेस के अंदर एक भी मैच में जीत हासिल नहीं की है। लास्ट 3 मैचेस में एक मैच ड्रॉ हुआ था, 2 मैच ये हारे थे, तो मतलब जीत नहीं आ पा रही है, जिस कारण पता चलता है कि इस टीम की डिफेंडिंग में गिरावट है। और HD टीम की अगर मैं बात करूँ तो हस्टन डायनेमो बहुत अच्छा टीम खेल रही है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं लेने वाला हूँ HD का पहला प्लेयर कॉरे बेयर्ड। 24 मई को ये खिलाड़ी पागल हो गया था, पागल इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है जबरदस्त हैट्रिक आई थी 14% सिलेक्शन के अंदर, जबकि इस ये प्लेइंग 11 में भी था, 4 शॉट ऑन टारगेट और लगाए थे, प्लस एक असिस्ट भी की थी, और एक स्ट्राइकर होने के बावजूद 40 पासिस कंप्लीट किए थे। भाई साहब मैं क्या बोलूं, ऑल इन वन है ये खिलाड़ी, डिफेंडिंग भी कर गया ये तो, बीच में भाई टैकल भी करके गया था एक। एंड आगे से अगर बात करूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर की जो कि एमाइन बेसी अच्छा है। दोनों प्लेयर मैंने आपको हर बार बोला हुआ है कि सी सेबेस्टियन फरेरा खेले ना खेले, लो या ना लो, लेकिन अपनी टीम के अंदर सी बेयर्ड एंड ए बेसी को जरूर लेना, और अगर ये दोनों नहीं खेलते वो बात की है, ठीक है। एंड आगे से बात करें ऑपोजिशन टीम की, तो के कमारा एक तो सिलेक्शन ने ना लोगों को तंग किया हुआ है, लाइक मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज ये खिलाड़ी की सिलेक्शन 2% होती ना आप ना लेते, इसलिए मैं तो इसके बखावे में आऊँगा नहीं, मैं आपको राय दूंगा बी ग्यूट्रेस को लेने की। 1% ग्यूट्रेस नहीं खेलता तो अपनी टीम के अंदर नीचे से एक प्लेयर है गैरगियस कॉटसियस, इस खिलाड़ी को ले लेना, क्योंकि इसका प्लेइंग 11 में नाम आने की आशंका है, आ सकता है। तो अगर आप लेते हैं तो आप बी गोटर्स की जगह ले सकते हैं। बात करें मिडफील्डिंग की, शकीरी को यहाँ पर मैं लूँगा, एक्स शकीरी, आपको पता है कि कितना नामी घामी खिलाड़ी है, पहले जिस लीग में खेलता था वहाँ भी खूब नाम था, और इस लीग में भी नाम हो सकता है क्योंकि ये लीग है छोटी लेकिन खिलाड़ी है बड़ा। एंड आगे से बात करें हेक्टर हरेरा की, देन यहाँ पर हेक्टर हरेरा ये भी पहले एटलेटिको मैड्रिड में था, तो ये दोनों खिलाड़ी बहुत पुराने हैं। एंड यहाँ पर आप या तो एम हेल को ले लीजिए या ले लीजिए नवेरो को, आई एम गोइंग विद नवेरो बिकॉज नवेरो पे मुझे उम्मीद है कि अच्छा कर सकता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो कोई इतना खास खिलाड़ी नहीं है, एक खिलाड़ी अच्छा है जिसका नाम आपके सामने है, लुइस कैसेडो, बट अगर आप इसको लेते हो तो वो आप रिस्क ले रहे हो, क्योंकि मैं तो देखो डिफेंडिंग में हूँ ज़्यादा, मैं तो डिफेंडिंग में ज़्यादा रखता हूँ दम, ठीक है। तो डिफेंडिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैं तो कहूँगा आप 4 डिफेंडर उठाओ, और चारों डिफेंडर HD टीम के उठाओ। पहला है बैटलो, ठीक है, बैटलो अच्छा खेल सकते हैं, बैटलो के बाद बी स्मिथ एंड मैपल्स इतना खास नहीं है, इसको बार खेलता तो ज़्यादा बेटर होता, बट अब नहीं खेल रहा तो क्या कर सकते हैं। सो एम मुराना को यहाँ पर मैं लूँगा, तो ये चारों प्लेयर हमारे डन हो जाते हैं। एक आध खिलाड़ी जो आपने बदलना हो तो आप बदल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि राफेल क्रिसगोज हो गया, यहाँ पर सॉक्यूट हो गया, ये भी अच्छा है, सॉक्यूट तो बहुत ही बेटर है क्योंकि जिस लीग से ये आया वहाँ पर काफ़ी नाम है इसका, तो अगर आप उसको लेना चाहो तो आप यहाँ पे मेरा मैपल्स को निकाल सकते हो, क्योंकि इतना खास नहीं है ये, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बात करें गोल कीपिंग, यहाँ पर लेंगे रिची को, सो रिची इज़ एन एवरेज प्लेयर, स्पेंसर रिची का है कि नाम तो बहुत है, मतलब CF लीग के CF टीम के अंदर गोल कीपिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये टीम वीक है गोल कीपिंग में, ज़्यादा प्रेशर लगता है इनको। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है बेयर्ड, वाइस कैप्टन लोग पता नहीं कैसे रख रहे हैं हरेरा वगैरह को, रखेंगे, दिखने में सिलेक्शन 1% है, लोग रखेंगे। अब लोग कहीं लोग शकीरी को भी कैप्टन रख रहे हैं, भाई साहब शकीरी चल गया तो हमें मुश्किल आएगी, इसलिए मैं तो अपने कॉम्बिनेशन में डटा रहूंगा भाई, मेरा कॉम्बिनेशन यही है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।